हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जननायक जनता पार्टी ने रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया, जिसमें जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बोला कि भाजपा और भूपेंद्र हुड्डा आपस में मिले हुए हैं और चुनाव के समय में ईडी की कार्रवाई महज एक नाटक है। ईडी देश में बहुत से नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही। ये रोज ईडी वाले जगह जगह जाकर के रेड करते हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये मिली भगत का ही खेल है। अब इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने और क्या हो सकता है कि जब भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को जरूरत होती है तो भारतीय जनता पार्टी मैदान खाली छोड़ देती है, और जब भारतीय जनता पार्टी को दरकार होती है तो भूपेंद्र हुड्डा खुला मैदान छोड़ देते हैं। ये राज्यसभा का चुनाव इस बात का उदाहरण नहीं है। आगे बोलते हुए भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा, कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को खुद अपने टिकट की तसल्ली नहीं, वो भी उन्हें दिल्ली से मांग कर लानी होगी। सुनिए, उन्होंने कहा ना, ये फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। हर जीतने वाला दावा करता है, थोड़े दिन पहले मोदी जी भी करते थे 400 पार, आज भूपेंद्र हुड्डा भी 70 सीट लेकर के रोज सोते हैं, और अब तक तसल्ली नहीं खुद की टिकट की भी, वो भी दिल्ली से मांग करके लानी होगी। हमारी तरह हमारे सिग्नेचर से थोड़ी मिलेगी। बता दें, जननायक जनता पार्टी की 2 सितंबर को पीएससी की बैठक होगी, उसके बाद ही सभी टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी चुनावों के लिए घोषणा पत्र भी जारी करेगी। अब देखना होगा जनता 2024 विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को इस बार किंग मेकर बनने का मौका देती है या सीधे सत्ता के गलियारे तक पहुँचाती है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जननायक जनता पार्टी ने रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया, जिसमें जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बोला कि भाजपा और भूपेंद्र हुड्डा आपस में मिले हुए हैं और चुनाव के समय में ईडी की कार्रवाई महज एक नाटक है। ईडी देश में बहुत से नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही। ये रोज ईडी वाले जगह जगह जाकर के रेड करते हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये मिली भगत का ही खेल है। अब इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने और क्या हो सकता है कि जब भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को जरूरत होती है तो भारतीय जनता पार्टी मैदान खाली छोड़ देती है, और जब भारतीय जनता पार्टी को दरकार होती है तो भूपेंद्र हुड्डा खुला मैदान छोड़ देते हैं। ये राज्यसभा का चुनाव इस बात का उदाहरण नहीं है। आगे बोलते हुए भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा, कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को खुद अपने टिकट की तसल्ली नहीं, वो भी उन्हें दिल्ली से मांग कर लानी होगी। सुनिए, उन्होंने कहा ना, ये फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। हर जीतने वाला दावा करता है, थोड़े दिन पहले मोदी जी भी करते थे 400 पार, आज भूपेंद्र हुड्डा भी 70 सीट लेकर के रोज सोते हैं, और अब तक तसल्ली नहीं खुद की टिकट की भी, वो भी दिल्ली से मांग करके लानी होगी। हमारी तरह हमारे सिग्नेचर से थोड़ी मिलेगी। बता दें, जननायक जनता पार्टी की 2 सितंबर को पीएससी की बैठक होगी, उसके बाद ही सभी टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी चुनावों के लिए घोषणा पत्र भी जारी करेगी। अब देखना होगा जनता 2024 विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को इस बार किंग मेकर बनने का मौका देती है या सीधे सत्ता के गलियारे तक पहुँचाती है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।